This is DME and you are listening Radio Intersect. नमस्कार, आपका स्वागत है DME Radio Intersect में और आप सुन रहे हैं DME Talk तनुश्री भनोट के साथ. आज हमारे साथ DME Radio में मीडिया इंडस्ट्री की एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता है. हमारे साथ मौजूद हैं आज तक के डिप्यूटी एडिटर और न्यूज़ एंकर सईद अंसारी सर, जिनका इंटरव्यू लिया है RJ अलाई ने. आज हमारे साथ हैं आज तक के सीनियर जर्नलिस्ट सईद अंसारी. वेलकम टू द शो सर. सर, जैसे कि आपने अपने करियर की शुरुआत AIR से की थी, तो AIR की आपके करियर में क्या मान्यता है और क्या आपने सीखा वहाँ से? हम आज जो कुछ भी हैं, और अगर टीवी में हैं, टीवी न्यूज़ में हैं, तो वो ऑल इंडिया रेडियो की वजह से ही. अगर हम ऑल इंडिया रेडियो करियर के शुरुआती दौर में, जब हम कॉलेज हमने पास आउट किया था, अगर हम ऑल इंडिया रेडियो नहीं जाते, युववाणी नहीं जाते, और युववाणी के बाद अगर मुझे GNR जनरल न्यूज़ रूम आकाशवाणी में समाचार कक्ष में काम करने का मौका नहीं मिलता, तो आज शायद हम कहीं नहीं होते. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है. वहीं से सीखा, खबर लिखना वहाँ से सीखा, ट्रांसलेशन करना वहाँ से सीखा, बड़ी बड़ी खबरों को कम शब्दों में लिखना वहाँ से सीखा, आकाशवाणी के दिग्गजों के साथ काम किया, वो दिग्गज संपादक न्यूज़ रूम के उन लोगों के साथ काम किया, और उन्होंने सिखाया खबर कैसे लिखी जाती है, खबर कैसे पकड़ी जाती है, बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स में से दो लाइन की खबर कैसे बनाई जाती है, उसमें खबर होती क्या है. तो ये समाचार कक्ष में आकाशवाणी के सारी ट्रेनिंग वहाँ से हुई. और उससे भी ज़्यादा, जब आकाशवाणी में समाचार पढ़ने का, न्यूज़ पढ़ने का मौका मिला, तो पता चला कि आवाज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, आवाज़ का कितना महत्व है. तो पता चला कि उच्चारण कितना शुद्ध, कितना साफ़ सुथरा आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि आकाशवाणी रेडियो वो मीडियम है, वो माध्यम है, जहाँ आपको सब कुछ अपनी आवाज़ से ही कन्वे करना है. यू हैव टू कम्युनिकेट ईच एंड एवरीथिंग थ्रू योर वॉइस ओनली. टीवी में तो विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, म्यूज़िक है, लेकिन आकाशवाणी समाचार में सिर्फ आवाज़ है. शुद्ध आपको बोलना आना चाहिए, उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए, ये सब आकाशवाणी से सीखा. और ये वही ट्रेनिंग थी, ये आकाशवाणी के दिल्ली आकाशवाणी समाचार कक्ष के संपादक थे, वहाँ के न्यूज़ रीडर्स थे, जिनके साथ काम करके सीखा. बहुत कुछ सीखने को मिला हमें लगता है कि वो जो ट्रेनिंग थी, वो जो आकाशवाणी से सीख मिली है, वो जो आकाशवाणी से सीखा है, चाहे वो खबर लिखना हो, चाहे वो ट्रांसलेशन करना हो, चाहे वो न्यूज़ पढ़ना हो, चाहे वो उच्चारण का कितना ज़्यादा ध्यान रखना है, ये सब कुछ. और वही चीज़ आज काम आ रही है. हमें लगता है अगर हम इंडस्ट्री में हैं, तो शायद आकाशवाणी, शायद नहीं, बिल्कुल आकाशवाणी की तरह वजह से हैं, रेडियो की वजह से हैं. और अगर आकाशवाणी में हमने काम नहीं किया होता, वहाँ समाचार नहीं पड़े होते, तो आज टीवी में नहीं होते, यहाँ समाचार नहीं पड़ रहे होते. सर, आपका एक शो आया करता था कहिए नेताजी, तो आपके हिसाब से मीडिया का क्या रोल है एक पॉलिटिशियन की इमेज जनता के सामने पोर्ट्रे करने में? नहीं, हम ना इमेज बनाने वाले होते हैं, पत्रकार ना बिगाड़ने वाले होते हैं. हम तो, अगर एक पॉलिटिशियन है, वो किसी बड़ी पार्टी का नेता है, और वो जनता से चुनाव में जाने से पहले वादे करता है, और चुनाव जीतने के बाद उसकी सरकार बनती है, तो हम सिर्फ उससे सवाल पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे, वादे पूरे क्यों नहीं किए. अगर वो विधायक है, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, अगर वो सांसद है, MP है, तो उसने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया, अगर वो मिनिस्टर है, तो अपनी मिनिस्ट्री में उसने कल्याणकारी कार्य क्या किए. हम यही सिर्फ सवाल पूछते हैं. उसकी इमेज बनाना या बिगाड़ना किसी भी पत्रकार का काम नहीं होता है. उसे सच्चाई से रूबरू करवाना, उसे कटघरे में खड़ा करना, और उसके किए हुए वादों को याद दिलाना, उन्हें पूरा करवाने के लिए उसे बाध्य करना, यही हमारा काम है. सर, जैसे कि आपने बहुत चैनल्स में काम किया है, तो आपके अनुभव के अनुसार आपको क्या लगता है कि जो मीडिया एथिक्स हम किताबों में पढ़ते हैं, क्या वो असल इंडस्ट्री में फॉलो किए जाते हैं या नहीं?
جو ہم ایتھکس کتابوں میں پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم کام کرتے وقت انہیں فالو کرتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بنا نہ ہم خبر لکھ سکتے ہیں، نہ خبر پڑھ سکتے ہیں، نہ خبر دکھا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایتھکس کے بنا تو خبر ہی نہیں ہے، وہ تو وہ خیال رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہر پترکار اس چیز کا خیال رکھتا ہے، جیسے کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوا تو اس کا نام، اس کی آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز ہم کبھی نہیں کرتے ہیں، ہم ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں۔ سر، آپ میڈیا کو آج سے 10 سال بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں یا کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمیں سر، آپ 10 سال بعد میڈیا انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ صرف میڈیا کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، ہماری وشوسنیتا ختم ہو رہی ہے، اس پر لوگ پرشن چنہ لگا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ایج ہے، بہت تیزی سے میڈیا آگے بڑھ رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، میڈیا اور زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، نئے نئے ڈیجیٹل پلیٹفارمس آ رہے ہیں۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ جو قلم کے سپاہی کہا جاتا تھا، آج آپ کی بورڈ کے سپاہی ہو گئے ہیں، تو وہ وشوسنیتا بنی رہے، لوگ آپ پر سوال نہ اٹھائیں، آپ کو بے ایمان نہ کہیں، آپ کو کسی ایک ورگ وشیش یا کسی راجنیتک دل کا سمرتھک نہ کہیں۔ آپ ایک پترکار ہیں، آپ جاتی دھرم سمپردائے سب سے اوپر ہیں، آپ صرف ایک پترکار ہیں، اور لوگ آپ کو صرف ایک پترکار مانیں، آپ کو شک اور شنکا کی درشٹی سے نہ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ سر، آپ نے بہت سال انڈسٹری میں کام کیا ہے اور آپ بہت سارے بڑے بڑے چینل سے جڑے ہوئے تھے، تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے جو وہ کتابوں میں نہیں پڑھتے لیکن اصل زندگی میں ان کی بہت مہتوپورنتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ پترکارتا دھرم سب سے پہلے ایمانداری کا ہے، نشپکشتا کا ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ نشپکش ہیں، نڈر ہیں، جب جہاں جو جیسا دیکھ رہے ہیں، جو وہ آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہی پترکارتا دھرم ہے اور یہی ایک سچے اچھے پترکار کی نشانی ہے۔ اگر آپ نشپکش ہیں، اگر آپ نڈر ہیں، اگر آپ سچے ہیں، تو آپ ایک پترکار ہیں۔ آپ کا بہت بہت دھنیواد سر۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور سنتے رہیے ڈی ایم ای ریڈیو انٹرسیکٹ۔ دس از ڈی ایم ای اینڈ یو آر لسننگ ریڈیو انٹرسیکٹ۔